हर कुछ सालों में हजारों की संख्या में आए एथलीट जो कि करीब 200 अलग अलग देशों से आके आपस में कम्पीट करते हैं एक स्पोर्टिंग इवेंट में, जिसे हम और आप ओलंपिक गेम के नाम से भी जानते हैं। दुनिया भर से आए लोग एक साथ आकर एक कॉमन ग्राउंड पे पीस और यूनिटी को सेलिब्रेट करते हैं। अब सवाल यह आता है कि आखिर ओलंपिक है क्या और ये आया कहाँ से। सबसे पहला ओलंपिक गेम 776 BC पहले ग्रीस में खेला गया था। ओलंपिक गेम एक एंशिएंट ग्रीक फेस्टिवल जो कि ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड जियूस के सम्मान में आयोजित किया गया था। इस गेम को 4 सालों में सिर्फ एक बार खेला जाता है। शुरुआत में ओलंपिक गेम में सिर्फ एक इवेंट था जिसको शॉर्ट रेस भी बोला जाता था, लेकिन समय के साथ कई इवेंट और भी ऐड किए गए इसमें, जिसमें बॉक्सिंग, रेसलिंग, लॉन्ग जंप जैसे गेम थे। ओलंपिक गेम के शुरुआत में मेंस ही इसमें पार्टिसिपेट किया करते थे, क्योंकि वुमेन्स को पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था, और जो भी इवेंट का विनर होता था उसे ऑलिव ब्रांचेस का क्राउन पहनाया जाता था और कुछ पैसे भी दिए जाते थे। एंशिएंट ओलंपिक का फाइनल गेम 393 AD में खेला गया और उसके बाद एंशिएंट ओलंपिक का अंत हो गया। एंशिएंट ओलंपिक खत्म होने के 1500 साल बाद किसी ने इसे फिर से कंटिन्यू करने का सोचा। कुछ छोटे छोटे इवेंट के रूप में ये यूरोप के कुछ हिस्सों में खेला जाने लगा। करीब 100 साल पहले 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी बनाई गई पियर डे कोबर्टिन द्वारा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने पहला मॉडर्न ओलंपिक 1896 में ग्रीस के एथीन शहर में ऑर्गेनाइज किया। 241 एथलीट ने 14 अलग अलग देश से आके इसमें पार्टिसिपेट किया और एक छोटी सी शुरुआत से बहुत सारी चीज़ें बदल गई। ईयर 1900 में पहली बार वुमेन्स ने भी ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट किया और धीरे धीरे ओलंपिक दो हिस्सों में खेला जाने लगा, जिसे विंटर और समर ओलंपिक का नाम दिया गया। विंटर ओलंपिक में स्कीइंग और फिगर स्केटिंग जैसे स्पोर्ट इंक्लूड किए गए, वहीं समर ओलंपिक में जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग जैसे कई स्पोर्ट को ऐड किया गया। आज के समय में ओलंपिक 2 साल में एक बार होता है, जिसमें समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक अल्टरनेट होता है 4 साल के गैप में, यानी कि 2 समर ओलंपिक में 4 साल का गैप होता है और समर और विंटर ओलंपिक में 2 साल का। अगर बात करें एंशिएंट ओलंपिक की, तो एंशिएंट ओलंपिक हर बार एक ही प्लेस पे होता था, लेकिन मॉडर्न ओलंपिक के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉडर्न ओलंपिक हर बार दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग हिस्सों में होता है। आपने कभी न कभी ओलंपिक फ्लैग जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस फ्लैग में 5 रिंग आपस में इंटरकनेक्टेड क्यों हैं और इन 5 रिंग्स का मतलब क्या है। चलिए जानते हैं। ओलंपिक फ्लैग में 5 रिंग होती हैं, जो कि ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड कलर की होती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, ओलंपिक रिंग में मौजूद कलर्स में से एटलीस्ट एक कलर दुनिया के हर फ्लैग में प्रेजेंट होता है और ओलंपिक की 5 रिंग्स दुनिया में मौजूद 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाती हैं, जिसमें नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। नॉर्थ और साउथ अमेरिका को एक कॉन्टिनेंट के रूप में माना गया है। ओलंपिक रिंग के बाद ओलंपिक का सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल है ओलंपिक फ्लेम या ओलंपिक टॉर्च, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से आया है, जब ग्रीक गॉड प्रोमीथियस ने गॉड ज्यूस से आग चुरा के इंसानों को दे दिया था। हर ओलंपिक के पहले ओलंपिक टॉर्च को एक जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पे एंशिएंट ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, और वहाँ पे ले जाके इसको जलाया जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।